पश्चिम बंगाल अने उत्तरीय ओडिशा पर याद चक्रवात नु संकट छे। थोड़ा समय में गंभीर चक्रवात बनवानी हवामान विभाग की आगाही है। आज बपोर 130-140 किलोमीटर की झड़पे पवन फूंकाशे, जो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार सहित 8 राज्यों ने प्रभावित करशे। यास नामनु वावाजोडुं टूंक समय में ओडिशा ने दरियाकांठे टकराशे। पश्चिम बंगाल ने ओडिशा में यासनी असर वर्ताई रही है। बंने राज्यों में तूफानी पवन साथ मुशळधार वरसाद पड़ी रह्यो छे। ओडिशा पारादीप नजीक धामराथी पसार थशे यास नामनु वावाजोडुं। भद्रक और बालासोर जिला में सौथी वधु तबाही थाय तेवी शक्यता। सुरक्षाकर्मीओए 12 लाख लोकोनुं स्थानांतर कर्युं। बिहार की राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में यास की असर जोवा मळी। सांजे बिहार पूर्वीय विस्तार में प्रवेश करते यास वावाजोडू। चक्रवात ने लई राज्य 12 जिलों में एलर्ट कराया। हवामान विभाग मुजब राज्य 26 जिलों में 4 दिवस सुधी भारी वरसाद की आशंका। सीबीआई नवा डायरेक्टर तरीके सुबोध जयसवाल की निमणूक करवामां आवी छे। तेमनो कार्यकाल 2 वर्षनो रहेशे। 1985 बेचना आईपीएस ऑफिसर सुबोध जयसवाल महाराष्ट्र ईटीएस सचिव और मुंबई पोलिस कमिश्नर पण रही चुक्या छे। बिहार मुख्यप्रधान जूना मित्र नरेन्द्र कुमार सिंह सहाय माटे अपील करी छे। पोताना मैना गाम में आवेलू आरोग्य केन्द्र बंद पड़ेलू छे। नरेन्द्र कुमार की मांग छे कि तेमना गामनू आरोग्य केन्द्र फरी एक वखत शुरू करवामां आवे। अमेरिकानी कंपनी फाइजर भारत ने आ वर्षे 5 करोड़ डोज देवा माटे तैयार छे। आगामी वर्षे सिंगल डोज वैक्सीन आवी जशे। जुलाई महीना थी लोकोने फाइजर नी रसी आपवामां आवशे। देश में फरी 2 लाखथी वधु केस पॉजिटिव नोंधाया छे। एक दिवस में कोरोना थी 4,159 दर्दीओना मौत थया छे, तो देशभर में 2,95,000 थी वधु लोको साजा थई गया छे। हाल देश में सक्रिय केसी संख्या 24.90 लाख। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पानी में पण कोरोना वायरस की पुष्टि थी। यूपी में नदियों में लाश वहती कराई होने कारण हम वैज्ञानिकों पानी में वायरस से लई चर्चा शुरू कर दीधी है। आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ द्वारा पानी सैम्पल की तैयारी शुरू कर। अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन बनावती मॉडर्ना कंपनीए दावो कर्यो छे कि पोतानी रसी 12-17 वर्षना बाळकों पर प्रभावी होवानो दावो करता कह्युं छे कि 3,700 बाळकों पर ट्रायल शुरू करायो छे। कोरोना की बीजी लहर में देशभर में ओछा में ओछा 577 बाळकोए पोताना माता पिता ने कोरोना कारण गुमाव्या छे, ज्यारे कि बीजी लहर में कुल 513 डॉक्टर्स ना पण मौत थई चुक्या छे। दिल्ली में 103 डॉक्टर्से कोरोना थी पोतानो जीव गुमाव्यो। कोरोना ने लईने महाराष्ट्र सरकार नो मोटो निर्णय। महाराष्ट्र में होम आइसोलेशन में कोरोना की सारवार पर रोक। कोरोना संक्रमित थता आइसोलेशन सेंटर में ज लेवी पड़शे सारवार। महाराष्ट्र में कोरोना केस में घटाड़ो थई रह्यो छे, त्यारे महाराष्ट्र में लॉकडाउन में राहत मळी तेवी शक्यता छे। रिपोर्ट्स प्रमाणे सरकारे 1 जून थी प्रतिबंधों पर ढील आपे तेवी शक्यता। मुख्यप्रधान उद्धव ठाकरे सप्ताहना अंत सुधी में निर्णय लेशे। महाराष्ट्र पुणे में खानगी हॉस्पिटल में मफत वैक्सीनेशन। दीनानाथ मंगेशंकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ऊंची आवक धरावता लोगों माटे फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम योजवामां आवशे। डॉक्टर्स ना जणाव्या प्रमाणे जेनी वार्षिक आवक 1.5 लाख थी ऊंची छे तेमने मफत में वैक्सीन आपवामां आवशे। महाराष्ट्र में ब्लेक फंगस ना वधता केस। राज्य में ब्लेक फंगस से 120 लोगों ना मौत थया छे, जेमां पुणे में 27 लोगों ना मौत तो नांदेड़ में 22 और मुंबई में 5 लोगों ना मौत। वधता केस ने लेने महाराष्ट्र सरकारे ब्लेक फंगस ने महामारी जाहिर करी। उत्तर प्रदेश मुख्यप्रधान योगी आदित्यनाथ नु निवेदन कहू। 1 जून थी राज्य में 18-44 वर्षना तमाम लोगों माटे वैक्सीनेशन शुरू करवामां आवशे। 12 वर्ष थी ओछी वयना बाळकोना माता पिता ने प्राथमिकता आपवामां आवशे। बाळकों में कोरोना की त्रीजी लहर की संभावना ने लईने तेमना वालीओ ने पहला रसी आपवामां आवशे। देश में कोरोना कहर घटी रह्यो छे। हवे जो कि दुनियाभर में भारत ने मळती मदद हजू यथावत है, त्यारे रशिया थी रेमडेसिविर और कोरोना की सारवार माटे उपयोगी लेवामां आवती दवाओं जत्थो दिल्ली आवी पहुंच्यो। आ पहला पण आश्रे 40 वधु देश महामारी में भारत की मदद करी चुक्या छे। ब्लेक फंगस मुद्दे एलएनजेपी ना एमडी डॉक्टर सुरेश कुमारनु निवेदन सामे आव्यु। कह्युं कि देशना तमाम राज्यों में ब्लेक फंगसना केसमां सतत वधारो थई रह्यो छे। दिल्ली में 200 जेटला केस नोंधाया। आ फंगस खूब ज खतरनाक छे, तेनी सारवार लांबी अने मुश्किल छे। आंध्रप्रदेशना श्रीकाकुलम जिल्लामां धार्मिक कार्यक्रममां आयोजन करी 500 जेटला लोकोनी भीड़ भेगी करनार बे पादरीओ पर
पुलिस और स्थानिक तंत्र कार्यवाही करी छे। सीताम में पेटना मामलतदारे बन्ने पादरीए कुल 1,00,000 रूपया दंड पोलीसे गुनो नोंधीने वसूल कर्यो छे। स्वांती कोरोना फैलातो होवाना दावाने मेनका गांधीए खंडन कर्यु छे। आ वातनुं कह्युं छे कि मलेशियाना रिसर्चना नाम पर आ एक फेक न्यूज चाली रह्या हता। भारतमां स्वांती कोरोना फैलायो होय तेवो एक पण केस अत्यार सुधी नथी नोंधायो। આજે મંડારી કેબિનેટની બેઠકમાં વાવાઝોડાથી અસરગ્રસ્તો માટે રાહતના પેકેજની જાહેરાત થઈ શકે છે। વાવાઝોડાથી નુકસાનીનું વળતર મળવામાં સંભાવના, તો બેઠકમાં મ્યુકોર માઇકોસિસ અંગે પણ ચર્ચા થઈ શકે છે। મ્યુકોરમાઇકોસિસ અને કોરોનાની સ્થિતિ અંગે આજે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે। અગાઉ રાજ્ય સરકારે 65 પાનાનું સોગંદનામું રજૂ કર્યું હતું, જેમાં મ્યુકોરમાઇકોસિસના ઇન્જેક્શન ફાળવણી અંગે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી। રાજ્યમાં નવા નોંધાતા કેસમાં આંશિક વધારો નોંધાયો, નવા 3,255 કોરોનાના કેસ, જ્યારે કે 9,676 કોરોના દર્દી સાજા થયા, કોરોનાથી 44ના મોત થયા। હાલ રાજ્યમાં કોરોના 62,506 કોરોના દર્દી સારવાર હેઠળ, જેમાંથી 603 દર્દી વેન્ટિલેટર પર। અમદાવાદમાં પણ નવા કોરોનાના કેસમાં આંશિક વધારો નોંધાયો, નવા 522 કોરોનાના કેસ, શહેરમાં 491 અને જિલ્લામાં 31 નવા કેસ સામે આવ્યા, કોરોનાથી 8 લોકોના મોત, કુલ 3,237 કોરોના દર્દી સાજા થયા। સુરતમાં પણ કોરોનાના કેસમાં વધારો નોંધાયો, નવા 423 કેસ, શહેરમાં 224 અને જિલ્લામાં 197 નવા કેસ સામે આવ્યા, જ્યારે કે કોરોનાથી કુલ 7 દર્દીઓના મોત, 516 કોરોના દર્દી સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યા। વડોદરા શહેરમાં પણ કોરોનાના કેસમાં હવે આંશિક ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે। નોંધાયા નવા 462 કેસ, શહેરમાં 335 અને જિલ્લામાં 127, કોરોનાથી 857 દર્દી સાજા થયા, જ્યારે કે 4 દર્દીઓના મોત। રાજકોટના જિલ્લાઓમાં અને શહેરોમાં હવે સંક્રમણ ઘટ્યું છે। નોંધાયા નવા 215 કેસ, શહેરમાં 137 અને જિલ્લામાં 98 નવા કેસ સામે આવ્યા, કુલ 459 કોરોના દર્દી સાજા થયા, જ્યારે 5 કોરોના દર્દીના મોત। કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતમાં બ્લેક ફંગસના દર્દીઓ માટે ફાળવ્યા એમ્ફોટેરિસિન બી ઇન્જેક્શનનો જથ્થો। કુલ 22 રાજ્યો પૈકી ગુજરાતને મળ્યા 4,640 ઇન્જેક્શન। અમદાવાદમાં ઘટતા કોરોનાના કેસના પગલે માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની સંખ્યા ઘટીને હવે 10 પર પહોંચી છે। માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી 5 વિસ્તારોને મુક્તિ મળી છે, જ્યારે આજે ફરી એક પણ નવા વિસ્તારોનો ઉમેરો નથી કરવામાં આવ્યો। અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર રસી નહીં લેનારા પોલીસકર્મીઓથી નારાજ થયા છે। અધિકારીઓ સાથેની બેઠકમાં રસી ન લેનાર પોલીસકર્મીઓ વિરુદ્ધ શું કાર્યવાહી કરી તે અંગે અભિપ્રાય માંગ્યો। શહેરના તમામ પોલીસકર્મી રસી લે તે માટેનું આયોજન કરવા પણ સૂચના અપાઈ છે।